हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मॉमी टॉक एंड किचन। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ आंवले का जूस। ये कच्चे आंवले हैं जिसे मैंने काट लिया छोटे छोटे टुकड़ों में। उसे हम पीस लेंगे। आंवले को उबालना नहीं है, कच्चे आंवले को धो के सुखा के फिर काट लेना है बारीक। उसमें मैं 1.5 कप शक्कर डालूंगी और उसे पीसना है। पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है, पानी ऐड करने से आप उसे स्टोर नहीं कर सकते हो। इसे अच्छे से पीस लेना है। इसे मैं जूस की छलनी से छान लूँगी। छानने के बाद जो गुद्दा बचेगा उसे हम फेंकेंगे नहीं। उसकी रेसिपी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। इस तरह से पूरा जूस निकाल लेना है। उसे मैं एक कांच की बोतल में स्टोर कर लूँगी। आंवले को जूस को जब भी सर्व करना हो एक ग्लास में पानी लेना है। मैंने एक छोटा ग्लास पानी लिया है। जूस को आपको फ्रिज में स्टोर करना है। उसमें मैं 3 छोटी चम्मच आंवले का जूस डालूंगी जो स्टोर किया हुआ है मैंने। बड़ा चम्मच हो तो 2 डालिए। आधी चम्मच काला नमक डालूंगी। एक चुटकी काली मिर्च पाउडर, सफ़ेद नमक थोड़ा सा, हरी पुदीने की पत्तियाँ ली है मैंने, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लूँगी। पुदीने को आप आंवले के साथ भी पीस कर रख सकते हो या फिर सूखा पुदीना हो तो भी आप डाल सकते हो। रेडी है हमारा आंवले का जूस। बहुत ही अच्छा टेस्ट और हेल्दी भी रहता है। इसे हम 1 साल तक स्टोर रख सकते हैं। थैंक यू।